गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, दो टाइटन, दो फैन बेस, एक ही मूवी और सिर्फ एक ही विनर। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में मॉन्स्टरवर्स के दो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को एक साथ कोलैप्स करने वाले हैं, जिसमें इन दोनों टाइटन में से किसी एक को जीतना पड़ेगा और दूसरे को अपने ओपोनेंट के आगे झुकना पड़ेगा। तो मॉन्स्टरवर्स के सबसे बिगेस्ट इवेंट पर गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर और किंग कॉन्ग के इस फाइट में किसकी जीत होने वाला है या फिर किसकी जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मूवी एक्सप्लेनर वाईटी। तो आज के इस वीडियो में हम गॉडजिला और कॉन्ग के पावर, एबिलिटी और वे ऑफ फाइट को एनालाइज करेंगे और ये पता लगाएंगे कि गॉडजिला और कॉन्ग में से किसकी जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आज का स्पेशल वीडियो कॉमिक ऑन फ्यूरियस यूट्यूब चैनल के साथ एक कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसमें मैं इस वीडियो में गॉडजिला के साइड में बोलने वाला हूं और कॉमिक ऑन फ्यूरियस कॉन्ग के साइड लेकर कॉन्ग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कोई भी इंपोर्टेंट डिटेल को मिस ना करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा। सो हेलो एवरीवन, एक सेकेंड, मुझे पहचाने नहीं? आई एम गर्व शर्मा फ्रॉम कॉमिक ऑन फ्यूरियस यूट्यूब चैनल और अभी मैंने अपने चैनल पे डेथ नोट एनिमे से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैं सबसे पहले कॉन्ग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो कॉन्ग स्कल आइलैंड का सबसे पावरफुल है और उसने अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस की वजह से ही वो कॉन्ग स्कल आइलैंड का किंग बना रहा है। अगर देखा जाए तो कॉन्ग के पास किसी भी तरह की टाइटन एबिलिटी नहीं है, लेकिन स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग की उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी और उसके बावजूद कॉन्ग ने अपनी स्ट्रेंथ और फिजिकल पावर से काफी सारे हेलीकॉप्टर्स और स्कल क्रॉलर्स को अकेले ही मार गिराया। और अभी तो कॉन्ग की काफी ग्रोथ हो गई है और कॉन्ग का साइज भी गॉडज़िला के साइज तक पहुंच गया है। और अगर डेफिनेटली देखा जाए तो कॉन्ग की पावर और स्टेमिना पहले से बेहतर हो चुकी है, जैसे कि कॉन्ग अपनी स्ट्राइक को और भी बेहतर करने के लिए किसी भी चीज को हथियार के रूप में यूज कर सकता है। ऐसा वो एक लकड़ी हो या एक बोट का प्रोपेलर और बड़े स्टोन हो या चैंस हो या एक पूरा का पूरा टाइटन ही क्यों ना हो, कॉन्ग अपनी इंटेलिजेंस के वजह से ही चीजों को वेपन की तरह यूज करता है और वैसा कोई भी टाइटन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ग की इंटेलिजेंस बाकी के टाइटन से काफी ज्यादा है। और कॉन्ग की इस वेपन को यूज करने की यूनिक टेक्निक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि अब तो कॉन्ग के पास अपना सबसे यूनिक और स्पेशल बैटल एक्स भी मौजूद है, जो आम वेपन तो बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इस बैटल एक्स को सिर्फ गॉडजिला को ही मारने के लिए बनाया गया है, जिसमें खुद गॉडजिला की डोर्सल प्लेट और एक ईएमपी छोड़ने वाले बोन को भी इस्तेमाल किया गया है। और इसकी पावर्स के बारे में काफी सारे लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। कॉन्ग की बैटल एक्स गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है और एक तरह से ये एटॉमिक पावर्स को मैग्नेट की तरह एब्जॉर्ब भी कर सकती है, जो एक रेंज तक गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करके उसे बैंड भी कर सकती है। और इस बैटल एक्स को हैंडल एटॉमिक रेडिएशन से ज्यादा म्यूटोस की तरह ईएमपी भी क्रिएट कर सकती है, तो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ इस बैटल एक्स के सामने थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। और कॉन्ग हैंड टू हैंड फाइट में भी गॉडजिला से काफी ज्यादा बेहतर है और गॉडजिला की कुछ ऐसी वीकनेस भी है, जिसकी वजह से गॉडजिला क्लोज फाइट में कॉन्ग के सामने अपनी पूरी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे तो मैं कॉन्ग की तरफ हूँ, पर फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोग अभी जितना कॉन्ग को वीक समझ रहे हैं, कॉन्ग उतना वीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें मूवीज में सिर्फ पहले के कॉन्ग को दिखाया गया है, जो अभी बिल्कुल ही चेंज हो गया है और उतना पावरफुल भी हो गया है कि वो गॉडजिला को भी टक्कर दे सके। और अभी तक ऐसा कोई भी टाइटन नहीं है जो फाइट्स में वेपन को यूज करता है और कॉन्ग की इंटेलिजेंस इंसानों से काफी हद तक सिमिलर है, जिसकी वजह से कॉन्ग में ह्यूमन जैसे इमोशंस भी मौजूद हैं। लास्ट में मैं कॉन्ग के लिए एक और पॉइंट कहना चाहता हूँ कि कॉन्ग की इसी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेलिजेंस के वजह से ही कॉन्ग किसी भी टाइटन से ज्यादा समझदार और स्ट्रेंथ में काफी ड्यूरेबल भी है। और अभी तो किसी को नहीं पता कि गॉडजिला कॉन्ग को हराएगा या कॉन्ग गॉडजिला को हराएगा, पर हम में से जितने भी लोग अभी मूवी के लिए वेट कर रहे हैं इस गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट में, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कॉन्ग गॉडजिला को कड़ी टक्कर देगा। एट द एंड अब हम गॉडजिला के बारे में बात कर लेते हैं। तो विदाउट एनी डाउट गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के अभी तक का सबसे पावरफुल टाइटन रहा है और पावर के मामले में गॉडजिला के साथ किसी और टाइटन का कोई टक्कर ही नहीं है। गॉडजिला अपने लाइफ में काफी टाइम तक सर्वाइव किया है और अपने से ज्यादा पावरफुल सारे मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म किया है। तो गॉडजिला का एटॉमिक पावर गॉडजिला को दूसरे टाइटन से अलग और सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है, जिसमें गॉडजिला का सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसका एटॉमिक ब्रेथ। मॉन्स्टरवर्स के हर एक मूवी में गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ज्यादा पावरफुल होते हुए दिखाया गया है और एटॉमिक रेडिएशन के वजह से गॉडजिला के पास कुछ यूनिक एबिलिटीज भी क्रिएट होना दिखाया जा चुका है। तो अभी से पहले की गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को देखा जाए तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को लाइट ब्लू और वीक कंसंट्रेटेड दिखाया गया।
गया था क्योंकि तभी म्यूटस के ईएमपी गोजिला के एटॉमिक ब्रीथ को अफेक्ट कर रहे थे। फिर हमें गोजिला का असली एटॉमिक पावर किंग ऑफ द मॉन्स्टर में दिखाया गया जो पहले से काफी कंसंट्रेटेड और पावरफुल था, लेकिन बाद में मोथरा के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद गोजिला का एटॉमिक ब्रीथ अपने लिमिट से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था जो गीदरा के हेड को सिर्फ एक ही बार में एटोमाइज कर दिया था। तो आप सोच सकते हो कि अगर गोजिला अपने हाई रेडियो एक्टिव एटॉमिक ब्रीथ को गोंग के ऊपर यूज करता है तो ये गोंग के बॉडी को कितना ज्यादा डैमेज कर सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, गोजिला के पास और भी कुछ पावरफुल एटॉमिक पावर्स मौजूद हैं, जैसे कि गोजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में बर्निंग गोजिला में कन्वर्ट हो गया था जिसमें गोजिला का बॉडी टेम्परेचर ही कॉन्क्रीट मेल्टिंग पॉइंट तक चला गया था और उस टाइम गोजिला का बॉडी एटॉमिक रेडिएशन से इतना ज्यादा चार्ज हो गया था कि गोजिला अपने बॉडी से एटॉमिक रेडिएशन को हाई अमाउंट में छोड़ने लगा था, जिसे हम गोजिला की थर्मोन्यूक्लियर पल्स भी कहते हैं और इसका इम्पैक्ट एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि गोजिला को यह पावर और एबिलिटीज मोथरा के सैक्रिफाइस के बाद ही मिल पाया था और शायद ही गोजिला को फ्यूचर में यह एबिलिटीज फिर से मिल सके और शायद गोजिला वर्सेस कॉन्ग में गोजिला सिर्फ अपने एटॉमिक पावर को ही यूज करने वाला है क्योंकि गोजिला अपने आप को उतना ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता जब तक वो किसी तरह के हाई रेडिएशन को ऑब्जर्व ना कर सके, जबकि एक एटॉमिक बॉम्ब के रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के बाद भी गोजिला उतना ज्यादा चार्ज नहीं हो पाता जितना तो मोथरा के सैक्रिफाइस के बाद चार्ज हो पाया था। लेकिन फिर भी गोजिला के पास अपना पावरफुल एटॉमिक ब्रीथ तो है जो एक हेलीकॉप्टर को सिर्फ एक ही बार में बर्बाद कर सकता है। और गोजिला के फिजिकल पावर को देखा जाए तो गोजिला अपने एटॉमिक पावर के बिना भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोजिला का वेट ही इतना ज्यादा है कि गोजिला अपने से बड़े बिल्डिंग तक को गिरा सकता है। तो ओवरऑल गोजिला अपने फुल कैपेसिटी में कॉन्ग से तो ज्यादा पावरफुल है ही, लेकिन इस बार गोजिला के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे कि गोजिला अपने बॉर्निंग वर्जन में नहीं आ सकता क्योंकि अभी गोजिला को उतना ज्यादा चार्ज करने के लिए कुछ सोर्सेस ही नहीं है। और देखा जाए तो गोजिला अपने बॉडी में हाई अमाउंट के एटॉमिक रेडिएशन को स्टोर कर सकता है, लेकिन इसका भी कोई लिमिट होता है और मूवी में जिस तरह से गोजिला अपने पावर को एपेक्स फैसिलिटी को तबाह करने में इस्तेमाल कर रहा है, डेफिनेटली उतना एनर्जी गोजिला इतने कम टाइम के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जिसके वजह से कहीं ना कहीं गोजिला का एटॉमिक ब्रीथ थोड़ा ज्यादा ही वीक हो गया है। और अभी कॉन्ग का न्यू बैटल एक्स गोजिला के एटॉमिक पावर को और भी ज्यादा घटा रहे हैं, तो शायद इसी कॉजेस की वजह से गोजिला कॉन्ग को अपने फाइट में किल नहीं कर सकता और रही कॉन्ग अपने इंटेलिजेंस और अपने वेपन से गोजिला के ऊपर भारी पड़ सकता है और बैटल टेंडेंसी में स्ट्रेंथ से ज्यादा इंटेलिजेंस भारी पड़ सकता है। और इस फाइट में आसानी से सिर्फ गोजिला को ही पावरफुल बोल देना एक बेवकूफी होगी क्योंकि बैटल के दौरान डिफरेंट स्ट्रेटेजी और पॉसिबिलिटीज होते हैं जो फाइट में किसी को भी जीता सकते हैं। तो मेरे खुद के ओपिनियन से गोजिला और कॉन्ग दोनों ही अब एक जैसे ही पावरफुल हो गए हैं, नहीं तो मूवी के स्टार्टिंग में फाइट शुरू होने से पहले ही एक मर जाएगा और फाइट एक ही बार में खत्म हो जाएगा, जो तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। और सिर्फ मेरे ओपिनियन से ही कोई ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन जब बात आता है इन दोनों में से जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा किसका है, तो वो गोजिला हो सकता है क्योंकि अगर ट्रेलर में दिखाया गया गोजिला मूवी में ज्यादा पावरफुल निकला तो ऑब्वियसली गोजिला विनर तो होने ही वाला है। और ट्रेलर में कॉन्ग को एक विक्टिम की तरह दिखाया गया है जो सिर्फ गोजिला से ज्यादातर मार ही खा रहा है, तो इसका मतलब हमें शायद कॉन्ग के रियल पावर और स्ट्रेंथ को हिडन रखने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे मूवी के स्टोरी में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो साफ साफ बताऊं तो सिर्फ अभी के लिए गोजिला कॉन्ग से ज्यादा पावरफुल है और गोजिला का जीतने की चांसेस कॉन्ग से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेटेजी और लॉक इन दोनों में से किसी एक को ही जीता सकते हैं और ये लक फाइट के दौरान किसके साइड में होगा वो तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। लेकिन आप में से कितने ये बिलीव करते हो कि कॉन्ग का पावर अभी गोजिला के पावर को चैलेंज कर सकता है, मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। और गौरव भाई को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। एंड में मूवी एक्सप्लेनर वाईटी को बहुत बड़ा थैंक्स इस ऑसम कॉलैब के लिए। और जितने भी ऑसम पीपल्स इस ऑसम कॉलैब को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। और जितने भी लोग मूवी एक्सप्लेनर वाईटी के चैनल पे न्यू है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। एंड मेरी डेथ नोट एनीमे वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हो। और अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि रोडान के पास कौन से पावर होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक न्यू इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।